सो एडोफिस की तरफ से फ्लेक्सिबल गोइडल ट्राइपॉड, इसे ऑक्टोपॉड भी बोलते हैं, ठीक है, ऑक्टोपस ट्राइपॉड भी बोलते हैं, ताकि ये काफ़ी फ्लेक्सिबल रहता है। और इसमें कुछ डिटेल्स वगैरह दिए गए हैं, कुछ फोटोग्राफ्स दिए गए हैं बॉक्स के अंदर। चलिए जल्दी से इस बॉक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं क्या क्या मिल जाता है हमें बॉक्स के अंदर। सो ये है हमारा ट्राइपॉड, इसे रखते हैं साइड में। और दो और चीज़ें भी हैं, मतलब टोटल तीन चीज़ें इसमें मिल जाती हैं, ठीक है। एक मोबाइल का होल्डर है, ये मोबाइल का होल्डर है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का लग रहा है। स्पॉन्ज वगैरह लगे हुए हैं साइड में और स्प्रिंग भी काफ़ी ठीक ठाक है। दो यहाँ पे थ्रेड दिए गए हैं, एक इस तरफ एक मिडिल की तरफ, तो अच्छी क्वालिटी का लग रहा है मुझे। स्पॉन्ज भी इसका देखिए काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है और स्प्रिंग भी ठीक ठाक है, अच्छा है, प्राइस के हिसाब से बहुत अच्छा है। और ये वाला जो है, ये लग रहा है मुझे गोप्रो के लिए है, मतलब एक्शन कैमराज जो हैं ये उनके लिए है। यहाँ पे ये इस तरह से इसे ओपन करेंगे, इसके स्क्रू को, और फिर इसे फिट करेंगे ट्राईपॉड में। चलिए, मेरे पास तो अभी गोप्रो है नहीं, इसलिए मैं सिर्फ स्मार्टफोन वाला दिखाता हूँ। चलिए मेन हमारा जो ट्राईपॉड है उसे निकालते हैं। थोड़ा मतलब ज़्यादा हैवियर तो नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी थोड़ा ज़्यादा हैवियर लग रहा है। शायद ये 250 से लेके 300 ग्राम तक होगा। इसे बॉल हेड बोलते हैं। इसे इस तरह से यहाँ पे ओपन करेंगे और इसे यहाँ पे घुमाएंगे। ये पूरा 360 डिग्री ऐसे घूमता रहता है, ठीक है, जहाँ भी चाहें उस तरह से आप रख सकते हैं। पोर्ट्रेट हो, लैंडस्केप हो, आराम से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और इसके लेग्स जो हैं ये भी काफ़ी ग्रिपी हैं, मतलब ग्रिप काफ़ी अच्छा रहेगा इनका। एंड यहाँ पे ये देखिए किस तरह से फ्लेक्सिबल है ये, और पकड़ने में भी काफ़ी मतलब ठीक ठाक लग रहा है, हाथ से फिसलेगा नहीं इतनी जल्दी। और ये जो बॉल हेड है इसे भी आप खोल के निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अभी मैं मोबाइल का होल्डर ला के दिखाता हूँ आपको। इसे आप यहाँ इस तरह से लगा सकते हैं, और आपको अगर कहीं पर रख के शूट करना है, और अगर लैंडस्केप में आप अगर ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं, तो स्मार्टफोन इसके अंदर लगाइए, इस तरह से इसे फिट कीजिए, और स्मार्टफोन लगाने के बाद रेडी हो जाएगा आपका ये। इस तरह से आप व्लॉगिंग वगैरह कर सकते हैं, शूट कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया। और ज़्यादा हैवी नहीं लग रहा है ये, ज़्यादा मतलब वेट ज़्यादा नहीं लग रहा है। फिर भी मैं इसका वेट एक देखता हूँ कितना है, वेट चेक करूँगा इसका। और ये काफ़ी मतलब देखिए, मैं इतना हिला रहा हूँ इसको इस तरह से, फिर भी ये यहाँ पे उसका बॉल हेड जो है रिमूव नहीं हो रहा है। वेट है कुछ 295, ठीक है, मैं बोल रहा था 250 से 300 के आसपास होगा, तो ये 295 ग्राम का है ये, और ज़्यादा हैवी नहीं है, फिर भी इट्स ओके। मैं इसमें DSLR फिट करूँगा, और DSLR लगाने के बाद चलिए देखते हैं इसका वेट कितना हो जाता है और किस तरह का ये हैंडल कर पाता है या नहीं। तो DSLR के नीचे यहाँ पे जो माउंट के लिए ऑप्शन है, इसे यहाँ पे थ्रेड पे लगा के फिट कर देते हैं। एक बार ये अच्छी तरह से टाइट हो गया, अच्छे से फिट हो गया, तो ये आपका जो DSLR का वेट है ये संभाल लेगा। मेरे पास जो DSLR है वो है कैनन का 200D Mark II, और इसमें 50mm का मैंने ये लेंस लगाया हुआ है। सो ये ज़्यादा मतलब हैवी नहीं लग रहा है, फिर भी ज़्यादा देर अगर आप पकड़ के इसे शूट करेंगे तो थोड़ा हैवी तो बन जाएगा, क्योंकि DSLR जो है वो कुछ आधे किलो से ऊपर का है और ये कुछ 200-300 ग्राम का है, तो 700 से 800 ग्राम का वेट बन जाता है टोटल। लेकिन इसका जो बॉल हेड है ये काफ़ी अच्छा है, और कितना बढ़िया मतलब इसे कंट्रोल कर पाता है, ठीक है ना, जितना भी मूव हो रहा है बढ़िया हो रहा है। आप इसे रख के भी यहाँ पे ऐसे शूट कर सकते हैं, और बहुत ही बढ़िया लग रहा है। लेकिन ये ट्राईपॉड सच में क्वालिटी वाइज बहुत बढ़िया है, मैं इसे यूज़ करने वाला हूँ, और आने वाले जितने भी मेरे ब्लॉग्स बनेंगे सब इसी से बनेंगे, ठीक है। सो मुझे तो ये काफ़ी अच्छा लगा, और इसका लिंक जो है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go.